आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिंदपीढ़ी के गुरु नानक पब्लिक स्कूल पहुंचे और लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। यहां उन्होंने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को भी चेक किया, परखा और फिर बाद में एक ऑटो को रवाना किया जिसमें जरूरतमंदों के लिए राहत सामग्री बांटने का सामान था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल से दूध बांटे जाने का भी भरोसा दिया है। पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और हर छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के हिंदपीढ़ी पहुंच गए, गुरु नानक पब्लिक स्कूल में चलाए जा रहे राहत के कामों का जायजा लिया, एनजीओ और वॉलंटियर के काम को देखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटे जा रहे खाद्य सामग्री की बोरी को खुद खोल कर देखा। जब वो खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से संतुष्ट हुए तो आकस्मिक राहत खाद्यान्न सामग्री के ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने विशेषकर रांची के हिंदपीढ़ी के लिए 15 दिनों की खाद्य सामग्री को भेजा। राहत सामग्री में चावल दाल के साथ बुनियादी सामान शामिल हैं। सीएम ने शनिवार से सरकार की ओर से दूध बांटने का भी भरोसा दिया। कंटेनमेंट एरिया जो है उन क्षेत्रों में ये अनाज विशेष रूप से बांटा जाएगा ताकि लोग भोजन के अभाव में इधर उधर ना निकले। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे हैं। इससे पहले बुधवार को विधानसभा के पास स्थित शहीद मैदान में भी सीएम ने राहत कार्यों का जायजा लिया था। यहां कई संस्थाएं गरीब लोगों को लगातार खाना खिलाने का काम कर रही हैं। जबकि गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जिससे झारखंड से बाहर फंसे झारखंड वासियों की मदद हो सके। हम लोग जो बाहर लोग फंसे हुए हैं हमसे संपर्क कर रहे थे, उनका एक माध्यम था दूरभाष जो पहुंचना बहुत सुगम नहीं था, तो एक हम लोग ऐप दे रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके वो सरकार से हम तक पहुंच पाएंगे और इस ऐप में वो अपना आंकड़ा भरेंगे और इसमें कुछ चीजों की पुष्टि की जाएगी ताकि उनकी वैधता को सत्यापित किया जा सके, जैसे कि उनका लोकेशन, जियो लोकेशन वो राज्य के बाहर का होना चाहिए, उनका जो नाम है उनके आधार के जो आंकड़े हैं उसके नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए, उनका जो बैंक का अकाउंट है वो हमारे राज्य के अंदर होना चाहिए और उनका उनकी जो मोबाइल संख्या है वो वैध होनी चाहिए जिसका हम लोग ओटीपी के माध्यम से उसका सत्यापन करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न सिर्फ सरकारी मदद के लिए तत्पर हैं, बल्कि जो सामाजिक संस्थाएं इस विपदा की घड़ी में काम कर रही हैं, उनका भी लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं। कामरान, जी मीडिया, रांची।